हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने लीनियर कोरिलेशन के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, और उसमें काफ़ी सारे हमने सम भी देखे थे, ठीक है। आज हम फिर से एक नए सम के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, लीनियर कोरिलेशन में, और उसकी जो आपको जो भी फॉर्मूला भी आपको बताया है पहले, उसी तरह से हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपकी बुक में दिया गया है सम नंबर 31, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक्स एंड वाई लिख लेती हूँ ताकि हमें बुक्स की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए, सम नंबर 31, एक्स एंड वाई, 2.0, 4.0, 1.2, 0.4, 2.4, ओके, 5.4, 0.9, 6.3 एंड 1.8, 3.6। सॉरी, सबसे पहले तो बात की जाए कि ये जो हमें मिला है उसमें सारी वैल्यू आपको पॉइंट में दी गई है। तो एक एडवाइस दी जाती है आपको कि अगर आपको एक्स एंड वाई पॉइंट में दिया गया हो तो आपको एक शॉर्टकट मेथड यूज करनी है, यूवी वाली, ठीक है, यू एंड वी वाली हमने जो बताई थी पिछली वीडियो में वो। पर अगर आपको एक्स और वाई वाली जो भी हमारी मेथड है उससे अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन सी मेथड इजी लग रही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि यूवी वाली मेथड कैसे यूज की जाती है, ठीक है। तो इसके आगे भी हमने बताया था कि यूवी वाली मेथड में हम आपको जो भी नंबर दिए गए हो वो एक छोटे नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो फिर हमें पॉइंट में दिया गया तो हम उसको पॉइंट इसके पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यूवी वाली मेथड यूज करने से आपके आंसर में कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि कोरिलेशन में एक रूल से अगर आप कोई भी डिजिट को माइनस करते हैं या तो फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करते हैं तो उसमें उससे आपकी जो लीनियर कोरिलेशन के जो आंसर में है उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यू एंड वी फाइंड आउट करें तो किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यू वी, यू स्क्वायर एंड वी स्क्वायर, ठीक है, इन सब का हम लिख लेंगे यहाँ पे। चलिए, यू वी की बात करिए तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको पॉइंट दिया गया है सबसे पहले, तो पॉइंट में आया है तो सबसे पहले काम हमें ये करना पड़ेगा कि पॉइंट निकालना है, और आप नंबर भी देख सकते हैं कि बहुत बड़े हैं। तो एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स में से सबसे छोटी जो भी डिजिट है उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी डिजिट है 0.4, ठीक है, तो एक्स माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय, अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या तो फिर 0.1 से डिवाइड करेंगे तो भी इसके पॉइंट निकल जाएंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह से वाई में भी हम ये करेंगे, वाई माइनस सबसे छोटा डिजिट है 0.9, ओके, डिवाइडेड बाय 0.1 या तो फिर मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, आपके पर है आपको कौन सा इजी पड़ता है, ठीक है। चलिए अब यू फाइंड आउट करते हैं तो एक्स माइनस 0.4, तो 2 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 16, 4 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 3.6 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 36, 1.2 डिवाइड माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.8, ओके, राइट, और डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 8, 0.4 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0, डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 0, ओके, 2.4 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 2, डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 20, ओके। तो इससे क्या फर्क पड़ा है कि हमें सारे पॉइंट्स जो है वो निकल गए और एक छोटे से नंबर में हमें आंसर मिल गया है, ठीक है, तो इससे हमें आसानी रहती है, ठीक है। चलिए वाई भी इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू 45, 0.9 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू 0, 6.3 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 5.4, राइट, डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 54, 1.8 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 0.9 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 9,
3.6 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 2.7. ओके, 2.7 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 27. ओके, यहाँ पे हमें मिलेगा सिग्मा वी. अब सिग्मा यू सिग्मा वी हम बाद में फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे यूवी. ठीक है, तो यूवी यूवी मतलब यू मल्टीप्लाई बाय वी इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 45, तो 720. 54 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 432, यहाँ पे 0. 27 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 540. सिग्मा यू बाद में फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, चलिए यहाँ पे यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर हमें सबसे पहले तो 16 का 256, 36 का मिलेगा 1296, 8 का 64, 0 400. ओके, सिग्मा यू स्क्वायर. वी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 45, 20, 25. ओके, 0, 54 का जो स्क्वायर निकलेगा 29, 16. ओके, फिर 9 तो 81, 27, 729. सिग्मा वी स्क्वायर. ठीक है, तो इन सब का हम टोटल लिख लेंगे. तो सबसे पहले सिग्मा यू 16 प्लस 36 प्लस 8 प्लस 20 इज इक्वल टू 80. ओके, 45 प्लस 54 प्लस 9 प्लस 27 इज इक्वल टू 135. सिग्मा वी सिग्मा यू वी, तो इसका टोटल हम करेंगे 720 प्लस 432 प्लस 540 इज इक्वल टू 1692. सिग्मा यू वी सिग्मा यू स्क्वायर, इसका टोटल करेंगे हम 256 प्लस 1296 प्लस 64 प्लस 400 इज इक्वल टू 2016. ओके, फिर 2025 2916 प्लस 729 इज इक्वल टू 81 तो रह गया यहाँ पे 5751. ओके, तो सारी अमाउंट हमें मिल गई है, तो हमें क्या करना है, इसको फॉर्मूला में पुट करना है. तो सबसे पहले तो आपको आई होप के समझ में आया होगा कि अगर आपको पॉइंट में वैल्यू दी गई है तो हमें इजी पड़े उसके लिए हमें क्या करना है, यूवी वाली मेथड ही यूज करनी है. ठीक है, ताकि जो आपको ये जो भी नंबर्स मिले वो पॉइंट में ना मिले और आंसर आपका जो है वो एग्जैक्ट आंसर आपको मिल पाए. ठीक है, चलिए अब इसका जो फॉर्मूला था हमारे पास यूवी वाला, तो आर इज इक्वल टू एन सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर. ठीक है, चलिए एन, तो एन जो है हमारा 5, सिग्मा यू वी 1692 माइनस सिग्मा यू 80 इंटू सिग्मा वी 135 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 सिग्मा यू स्क्वायर 2016 माइनस सिग्मा यू स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर 5 सिग्मा वी स्क्वायर 5751 माइनस 135 स्क्वायर. चलिए इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे, तो 1692 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 8460 माइनस 80 मल्टीप्लाई बाय 135 इज इक्वल टू 10,800. चलिए 5 मल्टीप्लाई बाय 2016 इज इक्वल टू 10,080 माइनस 8 टी का जो स्क्वायर है 6400. 5755 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 28,755 माइनस 135 मल्टीप्लाई बाय, तो 18,225. यस, चलिए इसका जो आंसर निकलेगा 8,460 माइनस 10,800 इज इक्वल टू माइनस 2340 डिवाइडेड बाय, इसका जो माइनस करेंगे हम माइनस 6400 और रूट भी निकाल लेंगे उसके साथ, तो निकलेगा 60. यहाँ पे रूट भी निकालने है हमने 60.66 मल्टीप्लाई बाय
माइनस करके रूट निकालेंगे तो 28,755 माइनस 18,225 और इसका रूट निकालेंगे तो 102.62। ओके चलो माइनस 2,340 डिवाइडेड बाय 60.66 मल्टीप्लाई बाय 102.62 तो 6,224 × 93। ओके तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका निकल गया 0.93 इज इक्वल टू -0.38। ये हमारा निकलेगा आर। ओके क्योंकि ये जो हमारा जो आंसर था माइनस में था तो आंसर भी आपका क्या आएगा माइनस में आएगा। ठीक है तो आपको एक एडवाइस है कि अगर आपको पॉइंट में दिया गया है तो आपको आंसर भी पॉइंट में ही लिखना है। ठीक है चलिए अब एक और हम आपकी बुक में दिया गया है शॉर्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है चलिए तो आपकी बुक में दिया गया है सम नंबर 38। ओके ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको कहा गया है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम फॉलोइंग रिजल्ट्स। एवरेज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10.5, एवरेज ऑफ वाई इज इक्वल टू 13.9, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3.5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 4.1, एन इज इक्वल टू 10, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 1364। ठीक है सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे लिख लूंगी ताकि बुक्स की हमें जरूरत ना पड़े। तो आप देखिए आपको कौन सी वैल्यू दी गई है। सबसे पहले तो एवरेज ऑफ एक्स, एवरेज ऑफ एक्स तो कोई भी एवरेज हो तो हम किस क्या कहेंगे उसको बोला जाता है एक्स बार। ठीक है एवरेज एक्स के एवरेज को कहा जाता है एक्स बार। एवरेज ऑफ वाई तो वाई बार। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस एक्स। ठीक है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एस वाई। ठीक है तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स बार इज इक्वल टू 10.5, वाई बार इज इक्वल टू 13.9, एस एक्स इक्वल टू 3.5, एस वाई इज इक्वल टू 4.1, एन इज इक्वल टू 10, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 1364। अब आपको कहा गया है कि आपको फाइंड आउट करना है आर। ठीक है तो हमने पहले भी बात की थी कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उस हिसाब से हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो अब आप याद करिए कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला था कि इनमें सारे जो भी ये आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं वो आ जाते थे। ठीक है इसमें एक्स बार वाई बार एस एक्स एस वाई एन सिग्मा एक्स वाई आप याद कीजिए कि कौन सा फॉर्मूला था। तभी आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको इस चैप्टर के फॉर्मूला नहीं आते तो ये आपको चैप्टर नहीं आएगा। ठीक है तो आपका काम पहले ये बनता है कि आपको फॉर्मूला सब याद रखना है। ठीक है तो अगर आपको याद नहीं है तो मुझे ही बताना पड़ेगा अभी। ठीक है बट आपको रीड करने हैं ये सारे जो भी फॉर्मूला लिखाए हैं वो। तो आपको एक फॉर्मूला लिखाया था सबसे पहले कि आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाय एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। ये हमने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको। ठीक है अब देखिए आप कि इसमें जो भी आपको वैल्यू दी गई ये सारी वैल्यू यहाँ पे आ गई है। ठीक है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको इन्फॉर्मेशन किस हिसाब से दी गई है। जिस हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन दी गई हो उस हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है चलिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लिखा है सिग्मा एक्स वाई तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 1364 माइनस एन तो एन की वैल्यू दी गई है 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई 10.5 मल्टीप्लाई बाय वाई बार तो 13.9 डिवाइडेड बाय एन तो 10 एस एक्स आपको दिया गया है 3.5 और एस वाई की वैल्यू दी गई है 4.5। ये जो सॉल्यूशन निकालना है वो तो वो ईजी है बट आपको फॉर्मूला ये जो है याद रखना पड़ेगा। ठीक है चलिए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे 1364 माइनस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 10.5
मल्टीप्लाई बाई 13.9 इज इक्वल टू 1459.5 डिवाइडेड बाई इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो 10 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 4.1 इज इक्वल टू 143.5। इसको माइनस करेंगे तो 1364 माइनस 1459.5 इज इक्वल टू माइनस 95.5 मल्टीप्लाई बाय सॉरी डिवाइडेड बाय 143.5 इज इक्वल टू माइनस 0.67। ये हमारा निकलेगा आर, आर इज इक्वल टू माइनस 0.67। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपको वैल्यू दी गई है वो है माइनस में, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन से शॉर्टकट सम में कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।